बस एवं टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के साथ डीएम व एसएसपी ने की बैठक। चित्र संख्या 01 से 04 तक तथा फोटो कैप्शन। बहराइच 3 जून। शासन के निर्देश के क्रम में अवैध रूप से संचालित बस एवं टैक्सी स्टैंडों के विरुद्ध कार्रवाई के उद्देश्य से कलेक्टरेट सभागार में बस एवं टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भूमि लेकर जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर वाहन का संचालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में कोई वाहन सड़क पर खड़ा नहीं होना चाहिए। बैठक में नानपारा, भिनगा, कटाईघाट, मलहीपुर, महसी, हुजूरपुर व बौंडी बस स्टैंड तथा डिगेहा टैक्सी स्टैंड यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर विनय द्विवेदी, ए.आर.टी.ओ. राजीव कुमार व ओ.पी. सिंह नगर पालिका परिषद बहराइच दुर्गेश्वर त्रिपाठी को निर्देश दिए गए कि एक बार पुनः स्टैंडों का निरीक्षण कर स्टैंड से संचालित होने वाले वाहनों की संख्या, उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल इत्यादि का जायजा लेकर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। नानपारा बस स्टैंड के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उप जिलाधिकारी नानपारा व पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा से संपर्क कर नानपारा में स्टैंड संचालन के लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कराकर वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराएं। संपूर्ण समाधान दिवस आज, बहराइच 3 जून। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु माह जून के प्रथम शनिवार 4 जून 2022 को तहसील मेहीपुरवा में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होगा। शेष तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता संबंधित उप जिलाधिकारी करेंगे।